तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मानुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी जी को कभी पेड़ ना समझें, गाय को पशु समझने की भूल ना करें और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात श्री हरि का रूप हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ बिना तुलसी के पत्तों के पूरी नहीं मानी जाती है। तुलसी माता को देवी का स्थान दिया गया है। माता तुलसी विष्णु प्रिया है। मान्यता है कि तुलसी माता की सेवा पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है एवं श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस जगह तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सारे तीर्थ और गंगा आदि सभी पवित्र नदियों का वास माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि तुलसी की पूजा से सारे देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। तुलसी माता की सेवा में दो सेवाओं को अति महत्वपूर्ण माना गया है। पहली सेवा है तुलसी जी के मंजरियों को तोड़कर तुलसी माता को पीड़ा मुक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मंजरियां तुलसी जी को बीमार करके सुखा देती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये मंजरियां तुलसी जी के शीश पर जब तक रहती हैं तब तक माता तुलसी घोर कष्ट पाती हैं। तुलसी माता की जड़ों में रविवार एवं एकादशी के अलावा प्रतिदिन जल अर्पित करते रहना चाहिए। एकादशी को तुलसी जी ठाकुर जी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन जल चढ़ाने से महापाप लगता है। इन दो सेवाओं को ठाकुर जी की सेवा से कम नहीं माना गया है। तुलसी माता की सेवा करने वाला अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तुलसी जी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विष्णु प्रिया है और गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है, अतः इस दिन तुलसी माता को घर में विराजमान करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तुलसी के पौधे को ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व या पूर्व एवं उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में कभी भूल कर भी तुलसी का पौधा ना रखें, इससे कष्ट बढ़ते हैं। तुलसी माता साक्षात श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। प्रतिदिन स्नान कर माँ तुलसी को जल चढ़ाने एवं दीपक जलाने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। घर के आंगन में तुलसी जी का जिस जगह पौधा लगाया हो उस जगह को सदैव साफ सुंदर रखें, क्योंकि तुलसी जी में माता लक्ष्मी का वास माना गया है और माँ लक्ष्मी गंदगी वाले स्थान पर निवास नहीं करती हैं, और गंदगी रहने से घर में अशांति का माहौल भी बना रहता है तथा आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, इससे तुलसी जी का समुचित विकास नहीं हो पाता है और वह सूखने लग जाती हैं। शाम के समय तुलसी जी को जल अर्पित करना भी शुभ नहीं माना जाता है, अतः सुबह स्नान के उपरांत ही जल चढ़ाएं। तुलसी जी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के पास सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए, लेकिन दीप बुझने के बाद वहां से अलग हटाकर रख देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में आर्थिक कष्ट बढ़ते हैं। तुलसी जी के पौधे को बिना स्नान किए तथा अपवित्र अवस्था में छूना नहीं चाहिए, इससे तुलसी जी का पौधा जल्दी सूख जाता है एवं घर परिवार में दोष भी लगता है। तुलसी जी के भोग तथा पूजा आदि के लिए तोड़े गए पत्तों को 8 दिन तक पवित्र माना जाता है, अतः धोकर दोबारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। तुलसी जी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था, अतः सौभाग्य बढ़ाने के लिए महिलाओं को स्नान के बाद बालों को खुले रखकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बालों को बांध कर तथा मांग में सिंदूर लगाकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी जी की प्रतिदिन पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। रविवार एकादशी द्वादशी एवं संक्रांति के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इनके पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के पत्तों को दांतों से चबाना भी नहीं चाहिए। अब तो यह विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि तुलसी माता के पत्तों में पारा होता है जिससे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। तुलसी जी के पत्ते नाखूनों से कभी नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने से भी पाप लगता है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।